दोस्तों आज हम बात करेंगे सम एंड एवरेज की। जैसे कि मुझे अभी ज़रूरत है एप्लीकेशन के अंदर कि मैं यहाँ पर सम करूँ। अब सम करने के लिए मैं कैलकुलेटर तो नहीं कर सकता ना, उसका एवरेज निकालना होगा तो उसके लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, बटन के ऊपर मैं उसका सम भी निकाल लूँगा, सिर्फ क्लिक करूँगा उसका सम आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करूँगा उसका एवरेज आ जाएगा। अब ये मैं ही काम कैलकुलेटर पर करता हूँ कि एक वैल्यू लेता हूँ फिर रखता हूँ फिर उसको रखूँगा फिर उसका सम आएगा, तो इसमें हमें टाइम लग जाता है। तो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर आज यही सीखेंगे कि हम सम कैसे करते हैं या एवरेज का बटन कैसे रखते हैं। तो आज हम अपनी कोडिंग पर चलते हैं दोस्तों, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले हमें आना है लेबल पर। दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लेना है, लेबल। दोस्तों हमें यहाँ पे लेबल ले लेना है, दो लेबल लिए, इन दोनों लेबल को हम यहाँ रख लेते हैं। तो दोस्तों मैं उठा के रख देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों दो लेबल और चाहिए हमारे को, हम इनको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी किया पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों हम इसको सेट कर देते हैं एक ही जगह पर। तो दोस्तों अब हमें चाहिए दो बटन। तो दोस्तों आपको पता जैसे बटन लेना, हमें यहाँ BUT लिखा बटन और डबल क्लिक कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया एक एक्स्ट्रा आई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि लेफ़्ट क्लिक करके डिलीट हो जाता है, तो दोस्तों इसको हम साइड कर दें थोड़ा, और ये बटन हमारे। तो दोस्तों तो मैं इनको नेम दे देता हूँ, दोस्तों इन दोनों को मैं 00 कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको 0 कर दिया। तो दोस्तों मैं इसको एवरेज सैलरी कर देता हूँ, सम कर देता है इसको सैलरी सम। तो दोस्तों मैं इसको सैलरी सम कर देता हूँ और इसको सैलरी एवरेज। तो दोस्तों हमें इन दोनों को ऐसे रखना और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपको साफ नज़र आए। तो इसकी प्रॉपर्टी माना दोस्तों, प्रॉपर्टी माना फॉन्ट, फॉन्ट में आने के बाद यहाँ क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करें इसका साइज़ थोड़ा और इसको बोल्ड कर देते हैं। तो बटन हम नीचे कर देते हैं दोस्तों, मसला नहीं है। तो ये था हमारा सैम्पली। तो दोस्तों अब हम जस्ट क्या करना है, सैम्पल इसमें लेफ्ट प्रॉपर्टी माना, प्रॉपर्टी माने फिर बटन का नेम रखना, फिर उसके बाद हमें कोडिंग करनी है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कोडिंग करना सिंपल है, सम इसका नाम लिख देंगे हम, क्योंकि बटन का नाम है सम करना हमें, और इसको हम कर देंगे एवरेज। तो दोस्तों हमने इस पर एवरेज कर दिया। तो दोस्तों हमें करना है क्या, आज सम के ऊपर काम करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सम के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आपको पता है सम के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या लिखना, इंट। हमने इंट लिया तो उसके बाद ए इक्वल 0, फिर हमने कोमा दिया, फिर बी इक्वल 0 दिए दोस्तों। जैसे ही देंगे हम फिर उसके बाद चलाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप चलाया हमने दोस्तों जैसे ही, तो इंट हटा दिया हमने दोस्तों, ये ए रखा, ए इक्वल 0, ए लेस देन डेटा ग्रेड व्यू, यहां लिखेंगे डेटा ग्रेड व्यू डॉट रो डॉट काउंट। तो दोस्तों जैसे हम काउंट करेंगे इसको इंक्रीमेंट पहले कर दे देंगे ए वैल्यू यहाँ। तो दोस्तों अब हम आएंगे इसके लूप में। तो लूप में क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे देंगे बी, हमारा जो वेरिएबल है बी, इसको कॉन्कटिनेट कर देंगे प्लस इक्वल, इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट डॉट टी ओ
इसका साइज है। तो दोस्तों इसको ब्रेक कर दिया हमने, इसके अंदर हम देंगे डेटा ग्रेड व्यू डॉट रो। जैसे रो देंगे हम दोस्तों इसका साइज दे देंगे, इसका साइज अभी क्या ए दे देंगे हम, क्योंकि इसका वेरिएबल ए। ए देने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सेल देने के बाद इसके कॉलम दे देंगे। इसके कॉलम हमने कितने दिए हैं दोस्तों, इसके कॉलम हमने 3 दिए हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको 3 दिए थे। तो इसके बाद डॉट वैल्यू, तो दोस्तों हमने ये सिंपल ये काम करना है। तो ये हम चेक करते हैं कि हमारा एवरेज हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, इसके लेबल देंगे, लेबल पे देख लेते हैं कौन सा लेबल पे है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर लिखा हुआ आएगा लेवल 70, तो हम लेवल 70 पे। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेबल देंगे लेवल 70। तो दोस्तों जैसे हम 70 लेवल 70 दिया डॉट, उसके बाद टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद हमें करना इक्वल, फिर बी हमारा जो कैपिटल था बी दिया कोमा टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में है। तो दोस्तों अब हम रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम बनाया है वो एवरेज होता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने रन किया ये इसका है। तो दोस्तों जैसे मैं करता हूँ ये सम, तो दोस्तों वो शायद इसका 0 यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए रन हो गया, मैं आपको कर देता हूँ, वो ऊपर चले गया। तो दोस्तों इसका 0 यहाँ चले गया था ये, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। तो दोस्तों मैं दोबारा अगेन रन करता हूँ, रन करने के बाद देखो दोस्तों ये इनका सैलरी का एवरेज है सेम, ये जो एवरेज है ये देखा है। सॉरी ये देखो दोस्तों, सॉरी यहाँ पे कमेंट्स लग गया था ये गलती से। तो दोस्तों ये देखें ये व्यूज और ये सम। तो दोस्तों ये देखो 40,000 तो हम देखते हैं ये क्या सही है, कैलकुलेटर कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हम कैलकुलेटर करते हैं तो हम कैलकुलेटर पे देखते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 2000 प्लस, फिर 3000 को करते हैं प्लस, फिर 4000 को करते हैं दोस्तों प्लस, फिर 1000, फिर करते हैं 4000, फिर 500। तो दोस्तों अब हम इसको सम देखते हैं। तो दोस्तों देखे थे 40,500, तो यहाँ पर भी सेम आंसर ही आया दोस्तों। तो ये थे हमारा सेम कर, ये थे हमारा सम करना। तो दोस्तों अब हम जो करेंगे वो एवरेज के लिए करेंगे। तो सिंपल है दोस्तों, एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एवरेज की बटन के ऊपर आना पड़ेगा दोस्तों। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही हम बटन पर डबल क्लिक करेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका कोड कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही कोड लिखना फिर वही परेशानी होगी, तो मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये कोड कॉपी कर लिया, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, इंट, मैंने यहाँ दिया इंट लंबर ऑफ रो कर देता हूँ। यहाँ वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल डेटा ग्रेड व्यू डॉट रो डॉट काउंट। दोस्तों मैंने ये किया काउंट, उसके बाद फिर डबल देना हमें, क्योंकि इसकी वैल्यू रेंज से हाई होती है, तो ज़्यादा होती है इसलिए हमें डबल में दिया। एवरेज देना, एवरेज लिखना कीवर्ड होता है ये, ऑब्जेक्ट दिया हमने इक्वल, इसको बी से डिवाइड कर देंगे, बी वेरिएबल है हमारा, बी से नंबर ऑफ ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो नेम है ऊपर हमने जो दिया था वो यहीं दे देंगे दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर दूंगा सेमी कॉलम, तो अब लेबल देख लेते हैं उसके लेबल कौन सा है। तो दोस्तों हम इसके ऊपर आएंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये लेबल 18 है, तो दोस्तों हम यहाँ पे लेबल 18 देंगे। लेबल 18 डॉट,
दोस्तों जैसे मैंने लेवल 18 दिया ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एवरेज कर देंगे दोस्तों, ए वी जी। तो दोस्तों सेम नेम देना, यहाँ मैंने कैपिटल दे दिया ए वी जी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एवरेज। तो हम देखते हैं क्या हमारा एवरेज हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने रन करते हैं कोड को। तो दोस्तों मैंने ये कर दिया रन। तो सिंपल मैं इसका पहले व्यू दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये था इसका एवरेज, मतलब सम किया था हमने। अब सम करने के बाद हम इसका एवरेज चाहते हैं कि हमें चाहिए। मैं बोलता हूँ यार मुझे एवरेज भी चाहिए। अब एवरेज के मेरे लिए मैं कैलकुलेटर लाऊँ फिर कैलकुलेटर करूँ तो उस पर टाइम लग जाता। तो उस पर हमें क्या करूँगा, देखें 2071। तो ये था हमारा एवरेज। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। सिंपल वीडियो बनाई है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी बन जाती है। तो इसलिए मैंने सिर्फ काम सिखाया। आई होप फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।